मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख रहे थे, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ थे और मैंने कुछ अब महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो है वो आपके लिए लेना स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों, हमने तत्वों के आवर्तीय गुण का लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पहले डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों, परमाणु त्रिज्या क्या है बहुत अच्छे से समझिए। किसी सम नाभिकीय अणु में दो परमाणु नाभिकों के बीच की कुल दूरी की आधी दूरी को उस तत्व के परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन बहुत आसान है, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको अब समझ लेते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि किसी समनाभिकीय अणु में दो परमाणु नाभिकों के बीच की कुल दूरी की जो आधी दूरी है ना, उस आधी दूरी को हम उस तत्व के परमाणु की क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं, आप समझिए। अगर मैं आपसे क्लोरीन के एक अणु की बात करूं, है ना, तो क्लोरीन के एक अणु में दो परमाणु नाभिकों के बीच की जो कुल दूरी है ना, जो कुल दूरी है वो 1.98 आर्मस्ट्रांग होती है। कितनी होती है बच्चों, ये होती है 1.98 आर्मस्ट्रांग। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये क्लोरीन का परमाणु है और इसी से जुड़ा हुआ क्लोरीन का एक दूसरा परमाणु है, बच्चों ये उनके नाभिक हैं, तो नाभिकों के बीच की कुल दूरी है ना, ये दूरी आप देख पा रहे हो, मैं इसको इस तरह से यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो दूरी है ये 1.98 आर्मस्ट्रांग है। ठीक, ये 1.98 आर्मस्ट्रांग है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, समनाभिकीय अणु का मतलब होता है एक ऐसा अणु जिसमें दो समान परमाणुओं से मिलकर जो बना हो, है ना, जिसमें दोनों ही परमाणु एक जैसे हो। तो हम ऐसे ही अणु में ये डेफिनेशन लागू कर पाएंगे। तो बच्चों, समनाभिकीय अणु में दो परमाणु नाभिकों के बीच की जो कुल दूरी है उस दूरी की आधी दूरी, यानी ये दूरी आप देख पा रहे हो ना, ये आधी दूरी है ना, ये वाला। मैं यहां पर आपको और अच्छे से बता देता हूं, ये नाभिक से ये डिस्टेंस, ये आधी दूरी कहला रही है, ये आधी दूरी है। ठीक है, इस आधी दूरी को हम क्या कह रहे हैं उसकी, हम कह रहे हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, ये परमाणु त्रिज्या है। बच्चों बहुत साधारण सी बात है, अगर मैं परमाणु त्रिज्या के लिए, ठीक है, परमाणु त्रिज्या के लिए एक सूत्र अगर आपके सामने रखूं, तो मैं कह सकता हूं सम नाभिकीय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कह सकता हूं सम नाभिकीय, सम नाभिकीय अणु में दो समान परमाणु नाभिकों के बीच की कुल दूरी और उस कुल
परमाणु नाभिकों के बीच की कुल दूरी का अगर मैं आधा कर दूं ना, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, परमाणु त्रिज्या। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के लिए अगर मैं परमाणु त्रिज्या निकालना चाहता हूं, तो क्लोरीन में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है, 1.98 आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। तो मैं इसका आधा कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 0.99 आर्मस्ट्रांग हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से ये जो 0.99 आर्मस्ट्रांग हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी क्या, ये कहलाएगी क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या। तो बच्चों बहुत अच्छे से आपने परमाणु त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों मैं जल्दी से आपको परमाणु त्रिज्या के साथ साथ मैं परमाणु त्रिज्या की आवर्तता भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं परमाणु त्रिज्या की आवर्तता, आवर्तीयता। आपको जैसा कि याद है मैंने आपसे बोला है कि जब भी हम आवर्तीयता की बात करेंगे हम इसको दो जगहों पर समझाते हैं, हम इसको समझाते हैं वर्ग में, और जब वर्ग में समझाते हैं तो मैंने आपको बताया था आप कहेंगे वर्गानुसार। दूसरा बच्चों आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, और आप एक्सप्लेन करते हैं दूसरे नंबर पर, ये नंबर वन था ये नंबर टू है। दूसरा आप आवर्त में समझाते हैं, और आवर्त में जब आप समझाते हैं तो आप लिखते हैं आवर्तानुसार, आवर्तानुसार, ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझिए कि वर्ग में जब हम रहते हैं तो हम कहते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे, ठीक है, चलने पर, चलने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का जो मान है बच्चों, ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में ये आंसर सेट कर लीजिए कि जब भी आप किसी वर्ग में होते हैं और वर्गानुसार जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि भाई क्या कारण है, क्यों बढ़ता है, हम वो कारण अभी एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों जबकि मैं परमाणु त्रिज्या की आवर्तता आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैंने आपको वर्ग में बता दिया, मैं जल्दी से आवर्त में बता देता हूं। बच्चों आवर्त में हम सदैव बाएं से दाएं चलते हैं, तो बच्चों आवर्त में या आवर्ता अनुसार बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है, आप याद रखेंगे चलने पर जो परमाणु त्रिज्या है ना, तो बच्चों परमाणु त्रिज्या का जो मान है, ये परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है, यानी आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। तो ये हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमको इसका भी कारण जो है वो जानना होगा कि आवर्त में क्यों घटता है और वर्ग में क्यों बढ़ता है। तो बच्चों मैं एक वर्ग का उदाहरण आपके सामने ले लेता हूं, मैं पहले आपको वर्ग में बता देता हूं बढ़ने का कारण। तो वर्ग में आयनन, सॉरी मैं परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों हम परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो वापस आ जाते हैं परमाणु त्रिज्या पर, लीजिए तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या के बढ़ने का कारण, तो बच्चों वर्ग में परमाणु त्रिज्या के बढ़ने का कारण, तो मैं फर्स्ट वर्ग आपके सामने यूज करता हूं, फर्स्ट वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम जैसे तत्व शामिल हैं। बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87 होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसका एक मिलेगा, इसका दो और एक मिलेगा, इसका आपको 2, 8 और 1 मिलेगा, इसका आपको 2, 8, 8 और 1 मिलेगा, इसके लिए आपको 2, 8, 18, 8 और 1 मिलेगा बच्चों, जबकि इसके लिए आपको 2, 8, 18, 8 और फिर 1 मिलेगा। लास्ट वाले के लिए आपको 2, 8, 18, 32, 18 और 8 और फिर 1 मिलेगा। बच्चों इस तरह से आप हम जानना चाहते हैं कि वर्ग में जो परमाणु त्रिज्या, तो इसके बढ़ने का क्या कारण है। सबसे पहला कारण बच्चों कि वर्ग में परमाणु का क्रमांक क्या होता है, देखिए परमाणु का क्रमांक जो है वो बढ़ता है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ 55 है, यहाँ 87। तो वर्ग में ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा।
त्रिज्या है, वो परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी या बढ़ती है। तो मैंने आपको चंद लाइनों के माध्यम से यह बता दिया कि वर्ग में परमाणु त्रिज्या के बढ़ने का क्या कारण है। एक बार वापस इसको रिकॉल कर लेता हूं बच्चों, मैंने बताया कि जब हम किसी भी वर्ग में ये कारण जानना चाहते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान क्यों बढ़ता है, तो सबसे पहला कारण है कि वर्ग में परमाणु का क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, परमाणु का क्रमांक देखिए ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है, यहाँ पर एक है, यहाँ तीन है, यहाँ 11, यहाँ 19, यहाँ 37, यहाँ 55, यहाँ 87 बच्चों। जबकि कोषों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर एक है, यहाँ दो है, यहाँ पर तीन कोष, इसके पास चार कोष, इसके पास पांच कोष, इसके पास छह कोष, इसके पास सात कोष। बच्चों अगर लगातार परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है, जिससे नाभिक और अंतिम कोष के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है वो भी बढ़ जाती है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है बच्चों की किसी भी वर्ग में जो परमाणु का आकार है वो बढ़ जाता है। बच्चों परमाणु आकार को हमने वर्ग में देख लिया, आवर्त में जल्दी से देख लेते हैं। तो आवर्त में आपको मैंने बताया था कि जो परमाणु त्रिज्या है, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है बच्चों, घटता है। तो इसके घटने का जो कारण है ना, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे सेकेंड आवर्त आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकेंड आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जैसे तत्व शामिल है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, 5, 6, इसका 7, 8, 9 और इसका 10 होता है। बच्चों मैंने आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रखे थे, इसका 2 और 1 हो जाएगा, इसका 2 और 2 हो जाएगा, इसका 2 और 3 हो जाएगा, इसका 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, इसका 2 और 6 हो जाएगा, इसका 2 और 7 हो जाएगा, इसका 2 और 8 हो जाएगा। बच्चों इस आधार पर हम ये देख सकते हैं फिर से कि जब हम सेकेंड आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ मूव करेंगे, तो अगेन जो तत्व का परमाणु का क्रमांक है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु का क्रमांक तो अभी भी बढ़ रहा है जो कि वर्ग में भी हो रहा था, लेकिन यहां पर देखिए कोषों की संख्या एक और एक दो, 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 एक और एक दो। तो कोषों की संख्या कैसी बनी हुई है बच्चों, लगातार स्थिर बनी हुई है ना। जब हम वर्ग हम आवर्त में मूव कर रहे हैं तो कोषों की संख्या स्थिर है। तो बच्चों होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इनका जो परमाणु का आकार है ये लगभग कैसा होना चाहिए था, एक समान होना चाहिए था। मैं बोल रहा हूं चाहिए था, पर ऐसा होगा या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। होना चाहिए था पर ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो उनके नाभिक में इसके पास प्लस 3 आवेश, इसके पास 4 आवेश, इसके पास 5 आवेश, इसके पास 6 आवेश, इसके पास 7 आवेश, इसके पास 8 आवेश, इसके पास 9 आवेश, इसके पास 10 आवेश। आवेश का मतलब है बच्चों ये प्रोटॉनों की संख्या है ना, यानी जब आप आवर्त में चल रहे हो तो लगातार प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है, नाभिक में बढ़ रही है, मतलब धनात्मक आवेश बढ़ रहा है। जबकि उनके अंतिम कोश में देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखिए इसके पास एक है, इसके पास दो है, इसके पास तीन है, इसके पास चार है, इसके पास पांच है, इसके पास छह है, इसके पास सात है और इसके पास आठ है। तो बच्चों जब दो विपरीत आवेश बढ़ेंगे, नाभिक में धनात्मक आवेश और बाहकोश में ऋणात्मक आवेश, तो इन दो विपरीत आवेशों के बीच में जो नाभिकीय आकर्षण है ना, नाभिकीय आकर्षण, तो वो नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से क्या होगा कि अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल जब बढ़ेगा तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की तरफ क्या होंगे, खिंचाव महसूस करेंगे, जिसकी वजह से इन तत्वों में क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, इनमें उत्पन्न हो जाएगा संकुचन। मतलब ये आकार में कैसे होना चालू कर देंगे, ये आकार में छोटे होने लगेंगे। और यही वजह है कि अगर ये सबसे बड़ा है तो दूसरा उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तीसरा उससे थोड़ा और छोटा, फिर अगला वाला उससे छोटा, और धीरे धीरे ये संकुचित होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। और बच्चों यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि जब परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक और अंतिम कोष के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।